बोल के देते हैं, लेकिन इसके अंदर रहती है, ये तो हमारे किसी काम की नहीं है, ये तो सब कचरे में जाती है, वेस्ट है। हजार रुपये का पूरा सामान नहीं है भाई साहब, तो 4,000 रुपये बाहर बोर्ड वालों ने ले लिए। भाई साहब आप लोग जरा ध्यान से सुन ले मेरी बात को, दरगाह को चादर की फूल की किसी को जरूरत नहीं है, ना ही बाबा को जरूरत है, ना ही दरगाह ट्रस्ट को जरूरत है। पर आगे हो जाओ, बाहर जो आप लोग लूट के आ रहे हैं, चादर फूल की आड़ में किसी को लूटने की जरूरत नहीं है। चादर और फूल का पैसा जो है आप कम से कम बाबा के गले में डालें, जो अभी दरगाह का काम बाकी है, जो आपका पैसा जो है दरगाह को लगे, दरगाह के काम आए। दरगाह किससे? यतीम खाने चलते हैं, मेडिकल ट्रस्ट चलती है, मेडिकल वगैरह के लिए दिया जाता है, कॉलेज के बच्चों के लिए दिया जाता है। अभी ट्रस्ट ने जो है कोई जगह ली है, कोई जगह खरीदी है, उस जगह पे मुसाफिर खाना बनाना है आप सबके लिए, और ये सब आप सबके टाउन से ही होगा। तो ये चादर फूल की आड़ में जो पैसे बाहर फूल वाले आप लोगों से लूट रहे हैं, तो ये पैसा किसी को वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। चादर फूल का पैसा, फूल चादर का पैसा आप लोग बाबा के गले में डालें, बाबा के गले में नहीं डाल सकते हैं। बाहर ट्रस्ट का ऑफिस है, अंदर ट्रस्ट का ऑफिस है, आप वहाँ ट्रस्ट के ऑफिस में जमा कर दें, जो वो पैसा जो है आपका, जो फंड जो है, जो दरगाह के काम आए, कॉलेज के बच्चों की फीस भरी जाए, यतीम खाने चले जाए, मदरसों के लिए वो मदद वगैरह होती है वहाँ जाए। तो ये जो है एक दिन के अंदर कम से कम 4 से 5 लाख रुपया फूल का वेस्ट होता है, एक दिन के अंदर 4 से 5 लाख रुपया चादर का वेस्ट होता है, तो एक दिन में कम से कम 7 से 8 लाख रुपया हम लोगों का वेस्ट होता है। तो यही पैसा अगर हम लोग बचाने की कोशिश करेंगे तो कम से कम दरगाह के काम आएगा। बाहर के नौजवान पब्लिक इसको सब लोग वायरल कर दे रहे हैं। ज़्यादा ले लिए